रहेगा। 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयत करने की तजवीज। राहिल, मैंने तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं समझा और ना ही चाहा है कि तुम मुझसे कभी अलग हो। प्लीज मुझसे बात को मान मत होना। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, बड़े भाई से पढ़कर आपको बाप का दर्जा दिया है, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से हमारी जिंदगी कितनी मुश्किलात में पड़ गई आपको अंदाजा है? आपने तो अपनी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांध रखी, लेकिन आपने अम्मी को देखा है, उसको और आलिया का रवैया देखा है आपने? महसूस किया है कितना तोहीन आमेज हो गया? आलिया बीवी है तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भाई, मुझे बताया और मैं क्या करूं? मेरे हाथ में क्या रह गया है? सिर्फ वो आलिया का हिस्सा जो उसे विरासत में मिलने वाला है। तो तुम अम्मी के साथ ये रवैया आलिया का कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? ये बेटों का फर्ज होता है कि माओ की इज्जत कराए वो अपनी बीवियों से। ये उन बेटों का काम होता है जो कमा कर लाकर बीवी के हाथ में रख, उन जैसे बेटे नहीं जो सिर्फ बर्दाश्त करते हैं या बीवी की सुनते हैं, सिर्फ अपनी माँ से झगड़ा करते हैं। राहिल, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम्हें आलिया का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही अम्मी को। मेरी पूरी कोशिश है कि आलिया की मदद के बगैर ही तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो। अगर भाई मैं इन सारी बातों को छोड़ दूं, अपना मूड ठीक करो, चलो बाहर चलते हैं, तुम जाके फ्रेश हो जाओ।